जिस दिन ये चीज हो गई लोग तेनु पूछन लग पे तू इतना अच्छा है, तेरा मुर्शिद कितना अच्छा होएगा। जिस दिन लोग ये गल पूछन लग पे समझ नहीं कि मेरा मरीज होना कबूल हो गया। बुजुर्गों नु दिखावे की जरूरत नहीं होती, उन्हें कहा अल्लाह वाले ना मुखला वेखते ना मुख ने दिल वेखते, अल्लाह वाले वेखन ते दिल वेखते, वो अमल वेखते कि केरा मरीज किस अमल दे नाल आया है। कोशिश फरमाओ अपना मासबा फरमाइए, साल बाद जब तू आवीए तो असी नमाजी होवी, असी नेक होवीए, साडी बीवी नमाजी होवे, साडे बच्चे नमाजी हो, अपनी औरतां नूं पर्दा करवाया करो। इस्लाम ने पर्दा दस्या है, जो तुहाडे पीर साहब ने फरमाया उहदे ते अमल फरमाओ। मेरे तो पहले दस्तारबंदी हुई है, बच्चे खड़े हैं इन्हां दी दस्तारबंदी हुई है, 20 हाफिज ते 11 कारी हजरात फारग होए। ए बिल्डिंग जिहड़ी तुहानूं सामने नजर आ रही है, इहदे विच जामिया निजामिया दरसे निजामी दा कोर्स, कारी कोर्स, हाफिज कोर्स पढ़ाया जांदा है। 500-600 बच्चे मुख्तलिफ साडी शाखा ने उत्थे पढ़ रहे हैं। ए पिछे जिहड़ी तुहानूं जाली नजर आ रही है, इहदी बैग दे पिछे बच्चियां दा मदरसा, जिदे विच 150-200 बच्ची आलमे दीन बन रही है। जिस दी बच्ची आलमे दीन बन जाएगी तेरे माँ बाप नूं कितना फायदा होएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत चार मर्दा नूं जन्नत च लैके जाएगी, एक औरत चार मर्दा नूं जहन्नम च लैके जाएगी। अगर बेटी नेक हो गई, बाप नूं नेक कर देगी, अपने खामद नूं नेक कर देगी, अपने बेटे नूं नेक कर देगी, अपने भाई नूं नेक कर देगी। अच्छे उन्होंने बच्चियों नु देरा दीन दा सबक पढ़ाया जाता है, कोशिश करो अपने बच्चियों नु दीन पढ़ाओ। पहले मुसलमान बनाओ फिर जो कुछ मर्जी बनाओ। जदों बंदा मुसलमान बन के थाने च पवेगा तो कानून तरोड़ेगा नहीं, मुसलमान बन के डॉक्टरी दे काम करेगा, उसकी दवाई दे विच शफा पैदा हो जाएगी, मरीजों नु फायदा होने लग पड़ेगा। असीं बच्चे नु डॉक्टर बनाने आ, PhD सारा कुछ कराने आ, लेकिन मुसलमान नहीं बनाते। दोस्तों जे डॉक्टर दे प्यो बच्चा डॉक्टर अगर अपने वालदैन नु बचा सकदे तो उन्हें दे वालदैन ना मरदे। डॉक्टरी करन नाल वालदैन नहीं बचदे, PhD करन नाल वालदैन नहीं बचदे, थानेदार पढ़न नाल घर डाके तो नहीं बच सकदा, सदरे पाकिस्तान पढ़न नाल भी घर महफूज नहीं रहिंदा। अगर कोई अमन है तो तां ही इक चूदा बंदा बन जा, जिसले तू उहदा बंदा बन गया फिर तू अल्लाह दी अमान च आ जाएगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अमान च आ जाएगा। मोहब्बत करनी है तो हजूर नाल कर, फरमा बरदारी करनी है तो अल्लाह दी कर, ताबेदारी करनी है तो अल्लाह दी कर। यही रास्ता इन बुजुर्गों ने दिखाया, कोशिश करो दोस्तों रिज़्क़ के हलाल दे विचों मदरसे की मदद करो, ज़कात अता फरमाओ, खल अता फरमाओ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुन्नी मदारिस की मदद नहीं करती, जनसियां जनसियां वाले मदरसे की मदद करती हैं। जिते हक बयान होता उसकी मदद सिर्फ अल्लाह अल्लाह का रसूल करता, जनसी ने मदरसे ने जिते हक बयान नहीं होता। एजेंटी करने वाले उलमा जिते बनते हैं उन्हां दी मदद जिहड़ी ये गवर्नमेंटा बाहर दी भी करदी हैं तरसे भी करदी। अगर साडे मुल्क च इस्लाम होवे ते अल्लाह दा बात है, साडी हुकूमत इस्लामी हुकूमत नहीं। साडे ते फर्ज है अपने घर दे विच इस्लाम नाफिज करिए, घर दे असीं जिम्मेवार आ मुल्क दे नहीं। मुल्क दे विच जो कुछ हो रहा तुहाडे सामने, अजे तू अगे हालात जान दे पिछे नहीं आ सकते कि क्या मत नजदीक। मैं सी बात ते खत्म करना, कौन सादिक साहब ऐलान फरमान दे मदरसे दे बारे, ज़कात अदा करोगे, सदका अदा करोगे, जो चीज अदा करो रसीद लो, सिर्फ पैसे ना दो। जिसनूं अल्लाह ने चार बच्चे दिते ने एक बच्चा भी दे, जिन्हों अल्लाह ने बच्चियां दी ने बच्ची भी दे। तुहाडे बच्चे नूं असीं मुसलमान बनाइए, कल नूं कब्र दे विच असीं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खलोण जोगे हो जाइए कि असीं भी कोई दीन दा काम कीता। जो कुछ मैं आख्या अल्लाह तबारक तआला तुहानूं ते मैनूं अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैकुम।